पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज के लिए फेस न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेस इस्लामिक कल्चरल कम्युनिटी इंटीग्रेशन फिक्की द्वारा मुस्तफाबाद इलाके में जमीयत उलेमा दिल्ली स्टेट के नव नियुक्त अध्यक्ष मौलाना आबिद कासमी का इस्तकबालिया प्रोग्राम फिक्की के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी व प्रदेश उपाध्यक्ष अलीम अंसारी की देखरेख में सम्पन्न हुआ। मंच का संचालन दानिश आयूबी द्वारा किया गया। भाई अलीम साहब हैं, मुश्ताक साहब हैं, हाजी इसहाक साहब हैं और दीगर जितने भी हजरात हैं, मुझे नाम मालूम नहीं है, मैं सबका ममनून और मशकूर हूँ। और जो उम्मीद है इनकी जमीयत उलमाए हिंद से वाबस्ता हैं, अल्लाह का शुक्र है उसके ऊपर जमीयत उलमा काम कर रही है और हमेशा काम करती रहेगी। मैं इतना ही कहूँगा, मुसलमानों से सब्र तहम्मुल के साथ काम ले और जिन जानवरों की कुर्बानी होती आई हैं उन जानवरों की कुर्बानी होगी। मैं ख़ास तौर से इसी सिलसिले में जॉइंट कमिश्नर से मिला हूँ, वहाँ से कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं है हुकूमत की तरफ से कि इनको मना किया जाए। बहरहाल आप समझदार हैं, कोरोना का वक्त है, जो गाइडलाइन दी है जिस तरीके से वो चाह रहे हैं हम इस तरीके से बेच लें। बहरहाल अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस को भी, प्रशासन को भी, शासन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो जितनी भी मेरे में ताकत है मैं इतनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ और आगे भी इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी ज़िम्मेदारी से सबक लूँ। इस बकरे को लेकर के लोग क्या फील करना चाहेंगे जिनको, ताकि कोरोना को चलते हुए ताकि लोग गाइडलाइन का पालन कर सकें, किस तरीके से अपनी कुर्बानी कर सकें? भाई अपनी कुर्बानी जिस तरीके से होती आई है और गाइडलाइन भी हुकूमत की है, उस गाइडलाइन का ख्याल ये रखें कि एक जगहों पर ज़्यादा कुर्बानी ना करें, अपनी कुर्बानी कर लें। वालों का से मदरसे वालों का ताऊन करें और अगर कोई भाव नहीं है, क्योंकि खाल के ताल्लुक से ये है कि इस खाल अपने काम में भी ली जा सकती है, अपने काम में ले लो, या अगर नहीं ले सकते तो मदरसे वालों को तो ताऊन करें उनका, और खाल के साथ साथ में पैसों से भी ताऊन करें। जैसा कि हालात चल रहे हैं आप देख भी रहे हैं कि मदरसों को बड़ा नुकसान है। क्या मदरसे वाले आगे आएंगे जिस काम करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह आगे हमेशा रहते हैं। तब यही था कि जमीयत उलमा हिंद जो भी पूरी दिल्ली में अभी दंगों में भी काम करा है, इसलिए मैं इनके काम से बहुत खुश था। इसलिए मौलाना साहब दोबारा सदर बने दिल्ली के, तो उनका स्वागत के लिए मैंने अपने यहाँ बुलाया था। मौलाना साहब का आने का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। तो जैसे कि इस बार ईद उल अज़हा को लेकर के आप किस तरीके से अपने क्षेत्र के अंदर काम करेंगे? जैसे पहले करते आए हैं और जो गाइडलाइंस हैं सरकार की और दिल्ली पुलिस की, उसको लोग ध्यान रखें और खुले में ना करें। सबसे बेहतर यह है कि खुले में कुर्बानी ना करें, उसको किसी हॉल में, बड़े हॉल में या किसी भी कपड़ा डाल के, मतलब इस तरीके से करें, खुले में ना करें। जैसे कि आपने कासमी का स्वागत किया है बुला करके, क्या मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूँगा पहले तो, और इनसे यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। आपको खिदमत का दोबारा मौका मिला है, आपके ऊपर बहुत उम्मीद है, जमीयत उलमा उनके ऊपर बहुत उम्मीद है आपकी, उसके लिए काम करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप इस दिल्ली के सदर हैं जमीयत उलमा हिंद के, मौलाना आबिद कासिम साहब को दोबारा सदर मुंतखब किया है, आपकी यकीनन आपकी मेहनतें इसमें शामिल है हाल रही हैं, आप इस मौके पर और ईद के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हजरत को जो दोबारा सदर के अहदे पर फाइज किया गया है और लोगों ने जिस मोहब्बत का सबूत दिया है, क्योंकि हजरत मौलाना आबिद साहब दामत बरकात ने अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली के अंदर और जब से हजरत इस ओहदे पर फाइज हुए हैं दिन रात अपना
लोगों की खिदमत में लगाया और मैं देखता रहा कि आपको किसी वक्त सुकून न रहा, कभी रात में, कभी दिन में, कभी कहीं जाना, कभी कहीं आना। तो उसी अल्लाह ने जिससे चाहे उससे काम लेता है। अल्लाह ने फिर हजरत को दोबारा सदर मुंतखब किया, वो उन्हीं का समरा है और लोगों की मोहब्बत है, लोग हजरत से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत दे रहे हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला हमसे हम ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हजरत से और काम ले लें और हमारे दिल्ली के बिलखसूस दिल्ली के मुसलमानों के लिए जो हजरत के अज़ाइम हैं, अल्लाह उन्हें पाए तकमील तक पहुँचा दें। कि हजरत मौलाना आबिद साहब पहले भी दिल्ली के सदर थे, पहले भी इन्होंने काम किया और ख़ासकर इस इलाके में शिव बिहार और मुस्तफ़ाबाद में इस हलके में सबसे पहले दंगों के बाद हजरत की आमद हुई कि जिस वक्त यहाँ मुसीबत थी हजरत मौलाना आबिद साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और चौबीसों घंटे हमारे बीच में रहे, लोगों की खिदमत की और हक़ की आवाज़ को बुलंद किया। और यहाँ की रिपोर्ट हजरत मौलाना महमूद अहमद साहब को सदर जमीयतुल उलमाए हिंद को दी और सबसे पहले मुल्क के लीडरों में इस मुस्तफ़ाबाद की सरजमीन पर अगर कोई हमारी खबरगिरी के लिए आया है तो सब यहाँ हाजी इसहाक साहब मौजूद हैं और बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने देखा कि हजरत मौलाना महमूद मदनी एक बार नहीं दो बार यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और यहाँ हमारे इलाके में चाहे टायर मार्केट का मसला हो, चाहे गरीब मजलूम जिनके मकान जला दिए गए थे उनके मकानों का मसला हो और चाहे मस्जिदों का मसला हो, सबसे सारा का सारा काम हजरत मौलाना महमूद साहब की क़यादत में हजरत मौलाना आबिद साहब की दिल्ली प्रदेश इकाई के लोगों ने, यहाँ हजरत ने अपनी मौजूदगी में मुकम्मल कराया है और सारा काम हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कभी ऐसे हालात दिल्ली के अंदर पैदा ना हो और जिस तरह की भी मदद की ज़रूरत मुसलमानों को और इंसानियत को पड़ेगी, लोगों को पड़ेगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि हजरत मौलाना आबिद साहब इसी तरह से जैसे कि पहले खिदमत की है लोगों की, आवाम की, इंशाल्लाह मजहबी, सियासी, समाजी खिदमत करते रहेंगे, हम यही उम्मीद करते हैं। पहली बात तो यह है कि मैं मौलाना को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ़ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से, इलाके के मौजूद लोगों की तरफ से। दूसरी बात यह है कि जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से हमेशा कौम के लिए काम हुआ है और हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी काम पर दोबारा मौलाना को अध्यक्ष बनाया गया है। और मैं पूरे इलाके को, क्या पूरे क्षेत्र को, इस बात की उम्मीद है कि इंशाल्लाह मौलाना हमारे लिए और इस कौम के लिए बहुत अच्छे से अच्छे काम करें।